डी स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस पर्सनैलिटी टाइप्स इन डिफरेंट कल्चर आपको मालूम होना चाहिए कि हर बंदे की ब्राटअप डिफरेंट कल्चर में होती है फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको तीन कंट्रीज़ की पाकिस्तान की यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इसके अलावा इंडिया की अब पाकिस्तानी कल्चर में अगर किसी बच्चे की बराटअप हुई है तो उसकी कल्चरल वैल्यूज़ डेफिनेटली उसमें पाकिस्तानी जो कल्चर है उसका इफेक्ट होगा एक बच्चे की ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई है उसमें वेस्टर्न कल्चर का टच आपको नजर आएगा और एक इंडियन एक नॉन मुस्लिम बच्चे की ग्रोथ होती है तो डेफ़िनेटली उसके रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से उसके कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से उसकी पर्सनलिटी ट्रेड डिफरेंट हो गए अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स एंड डिफरेंट कल्चर हमें मालूम है कि सम टाइम आर्गनाइजेशन कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे मल्टी नेशनल कम्पनीज़ में मुख्तु तरह के लोग जॉब कर रहे होते हैं लेकिन यू हैव टू डील अकॉर्डिंग टू द कल्चर इन दिस वे यू विल गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम दोज रादर देन टू डील विद द सिंगल स्ट्रिक इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस बेसिकली वो आपकी फीलिंग्स हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखते हैं या उसकी तरफ वो आपको इंक्लाइंड करती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है उस बंदे बंदी का अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए अगर उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर रिजल्ट नहीं ले सकता जैसे कि उसके इमोशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं फियर है एंगर है सैडनेस हैप्पीनेस है डिसगस्ट है, 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 है सरप्राइज है अगर इन चीज़ों में वो कंसिस्टेंट है तो बहुत ज़्यादा ओवर जाए नहीं होगा बहुत ज़्यादा सैड नहीं में नहीं चला जाएगा बल्कि वो एवरेज वे में चीज़ों को देखेगा एनालाइज करेगा और उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपने कहेगा इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर्स मैनेजर्स आर लाइकली टू हैव हाई परफॉर्मिंग एंड मोर सेटिसफाइड एम्प्लाई इफ कंसिडर्ड इज़ नॉट गिवन मैचिंग पर्सनैलिटीज़ विद जॉब जो मैनेजर हैं वो तकरीबन फाइव टेन ईयर एक्सपीरियंस के बाद उस लेवल पर पहुंचे होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं एक फ्रेश कैंडिडेट से The best documented personality job fit theory was developed by the psychologist John Holland who identified six basic personality types. अब वो उसमें जो personality types हैं या personality के traits हैं इन सब का मकसद ultimately यही है कि वो बंदे का behaviour organisation में fit होना चाहिए ताकि organisation goal को वो अपना goal समय तो हो achieve कर सके. Perception. स्टीडियो इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ परसैप्शन विच इज़ प्रोसेस बाय विच वी गिव मीनिंग टू अवर एनवायरनमेंट बाय आर्गनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंप्रेशंस जो हमारे सेंसरी इंप्रेशंस है हाथ पांव, नाक आंखें कान ये सेंसरी मोटर्स कहलाते हैं डी ए स्टूडेंट्स अब हम इन चीज़ों से ही परसीव करते हैं बचपन में हमें बताया जाता है कि ये फ़र्ज़ करें आपके सामने कंप्यूटर है अभी हमें बताया गया फिर कॉलेज में पढ़ाया गया स्कूल में पढ़ाया गया यूनिवर्सिटी में टीच किया गया अब मुझे पता है कि ये कम्प्यूटर है अगर कोई मुझे कहे ये कंप्यूटर नहीं है ये टेलीविजन है क्या मैं मानने को तैयार तैयारूँगा बिल्कुल नहीं तैयार तैयारूँगा क्यों मैंने बचपन से इसको परसीव ही कंप्यूटर किया हुआ है और परसेप्शन से लेके कर कंसेप्ट बनने तक का जो अमल होता है उसे लर्निंग कहते हैं तो ये वो ऐसा अमल है जो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आता है तो परसेप्शन से शुरू होने के बाद लर्निंग फेज से गुजरने के बाद ये चीज़ आपका कन्सेप्ट बन जाती है जितनी अच्छी परसेप्शन होगी जितनी अच्छी लर्निंग होगी, होगी उतना ही सॉलिड आपके कन्सेप्ट होंगे एंड अदर मैनेजर्स विद द सेम असिस्टेंट माइट इंटरप्रेट द सेम टेंडेंसी एज एविडेंस दैट द असिस्टेंट इज थॉटफुल थ्रू एंड डेलीबरेट समाइम ये भी देखा गया है कि एम्प्लाई का थिंकिंग प्रोसेस मैनेजर का थिंकिंग प्रोसेस उनके बिहेवियर पर इफेक्ट होता है कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की होती है वो किसी भी चीज़ की मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को अनालज कर रहे होते हैं और कुछ मैनेजर्स की उतनी स्टडी वास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता वो चीज़ों को उस एंगल में नहीं देख सकते तो ये डिफर करता है कल्चर टू कल्चर परसेप्शन टू परसेप्शन लर्निंग टू लर्निंग दैट इन्फ्लुएंस परसैप्शन हाउ डू वी एक्सप्लेन द फैक्ट दैट पीपल कैन परसीव द सेम थिंग डिफरेंटली अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्ट टू शेप एंड सम टाइम परसेप्शन अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं अनवामेंट है एजुकेशन है लर्निंग है ऑफ नॉलेज है जिसमें अक़ल जमीर शूर वजदान इलाम वही असनादी इलम ये सारी चीज़ें सोसज ऑफ़ नॉलेज हैं जिस बंदे के पास ये सोस नॉलेज ज्यादा होंगे उस बंदे का लेवल ऑफ परसेप्शन ज्यादा होगा और यही चीजें सम टाइम आपकी परसेप्शन लेवल को इन्फ्लुएंस भी कर रही होती हैं वेन अ पर्सन लुक्स एट अ टारगेट एंड टू इंटरप्रेट दैट ही शी सीज पर्सनल विल हैवीली इन्फ्लुएंस द दिन आप चीज़ों को सोचते नेगेटिव हैं आपके सामने कोई पॉजिटिव चीज़ है आप उसके मतलब नेगेटिव ओपिनियन बयान करना शुरू कर देते हैं हालांकि वो चीज नेगेटिव नहीं है वो तो पॉजिटिव है हाउ यू डू दैट दिस इज वन रीजन ड्यू टू यूर ओन परसनैलिटी ट्रेट्स पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स तो ये वो बेसिक फैक्टर हैं जो किसी परसेप्शन को इन्फ्लुंस कर सकते हैं वट डू यू सी इन दिस पिक्चर डी ये स्टूडेंट्स ये आपके लिए हमने ड्रा की है ओल्ड वोमेन और यंग वोमेन आ नाइट आर अर्स अब जो क्वेश्चन है यहां पर वो ये है कि हर बंदा इस चीज को कैसे परसीव करेगा इट डिपेंड्स अपॉन इट्स परसेप्शन लेवल इट्स नॉलेज लेवल एंड इट्स लर्निंग जिसकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी ज़्यादा कंसेप्ट होंगे इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में डिफ़ाइन करेगा, पॉजिटिव वे में बयान करेगा और पॉजिटिव वे में इनसे रिज़ल्ट हासिल कर देगा